नमस्कार दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। अब सबसे पहले गैस में एक पैन रखेंगे या फिर कोई कढ़ाई रख लीजिए। गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे सेमई। ये 1.5 कप नाप के सेमई मैंने लिया है, इसको डाल लेते हैं। अब बीच में थोड़ा सा जगह कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी 1/4 चम्मच के आसपास। अब इसी घी में सेमई को 1 मिनट तक भून लेंगे, लगातार चलाएंगे जिससे सेमई बराबर से भून जाए। 1 मिनट हो गए हैं, सेमई अच्छे से भून गई है, थोड़ा सा कलर बदल गया है। अब इसको बाहर कर लेते हैं। अब एक भगोने में 1 लीटर के आसपास पानी रखेंगे गर्म होने को। गैस को हाई फ्लेम में कर लेंगे, इसको ढक देंगे जिससे पानी जल्दी से बॉयल हो जाए। पानी बॉयल होने लगा है, अब गैस को मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे सेमई जो मैंने भून के रखा था। अब इसको मिक्स करते हुए 2 मिनट के आसपास पकने देंगे। 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये गल जाएगी। 2 मिनट हो गए हैं, अब सेमई को पानी से बाहर निकालेंगे। गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसको एक छन्नी से छान लेंगे, इस तरह की छन्नी हो या आटे वाली चलनी हो, किसी से भी छान के बाहर निकाल लीजिए। अब इस छन्नी में मैंने बाहर निकाल लिया है इस तरह से। अब इसमें 1 कप ठंडा पानी डाल देंगे जिससे सेवई एक दूसरे पर चिपके नहीं। और इसको तुरंत ही इस तरह से मिक्स कर देंगे जिससे चिपकेगी नहीं। अब इसको ठंडा होने देंगे, तब तक बाकी की तैयारी करते हैं। अब गैस में एक कढ़ाई रखेंगे, गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे तेल 1 टेबल स्पून के आसपास। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच राई, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 8-10 करी पत्ते, 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अब सारी सामग्री को थोड़ा सा भून लेते हैं। बस प्याज का थोड़ा सा कलर बदलेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। प्याज भून गया है, थोड़ा सा कलर बदल गया है। अब इसमें कुछ सब्जियां डाल देते हैं। ये 1 शिमला मिर्च इस तरह से मैंने पतले लंबे पीस में काट लिया है। इसी तरह टमाटर भी काट लिया है, गाजर भी इस तरह लंबे पीस में काट लिया है। सारी सामग्री को डाल देते हैं। अब इनको लगातार चलाते हुए 2 मिनट के आसपास भून लेंगे जिससे थोड़ी सी पक जाएंगी। गैस को मीडियम हाई फ्लेम में रखेंगे जिससे सब्जियां जल्दी से भून जाएं। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक या फिर स्वाद के अनुसार। 1/2 चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और थोड़ा सा तीखा भी रहेगा। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब नमक काली मिर्च अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस समय गैस को लो मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे सेमई जो मैंने छान के रखी थी, ये अच्छे से ठंडी भी हो गई है और देखिए एक भी चिपकी नहीं है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच के आसपास पानी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच पानी डालने से इससे सेमई देखिए अच्छे से खुल जाती है। आप लोग तो हमेशा बनाते होंगे मीठी सेमई, नमकीन सेमई, लेकिन एक बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, शायद मेरा तरीका भी आपको अच्छा लगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा। ये देखिए एक दूसरे पर एक भी नहीं जुड़ी हैं, एकदम अलग अलग हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस 4-5 बूंद के आसपास। फिर से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। नींबू डालने से और अच्छा टेस्ट हो जाता है, थोड़ा सा खट्टापन आएगा तो और भी टेस्टी लगेगा। वैसे तो आप इसको इसी तरह खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन आप अपने मनपसंद टोमेटो सॉस, चिली सॉस भी डाल के खा सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी लगता है। अब नींबू का रस अच्छे से मिक्स हो गया है, अब गैस को ऑफ कर देंगे। इनको गर्म गर्म सर्व कर लेंगे, खा के मज़ा आ जाएगा।
एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।